बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मरियम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मरियम होम कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा कटलेट्स, जिसके लिए सबसे पहले हम उसकी पोटैटो पेस्ट रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, आधा किलो आलू ले लिए हैं उबले हुए मैश किए हुए, इसके अंदर ओरिगैनो डाल देंगे 1 टीस्पून, काली मिर्ची और नमक दोनों हाफ हाफ टीस्पून डाल देंगे और इसको मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी चिकन की फिलिंग रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। टमाटर 1 कप चॉप किए हुए, प्याज 1 कप चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च 1 कप चॉप की हुई, और चिकन ले लेंगे 1 कप बॉईल है, इसको श्रेड किया है, और काली मिर्ची और नमक हाफ हाफ टीस्पून ले ली है, और 5 टेबलस्पून केचप ले लिया है। अब हम इसको तैयार करते हैं। एक पैन में ऑयल ले लेंगे और इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन को जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इस ऑयल में। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर नमक और काली मिर्ची डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे और शिमला मिर्च डाल देंगे। वेजिटेबल्स डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स डाल के अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर केचप डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो से तीन मिनट मिक्स करने के बाद हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है चिकन का। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिकन जब हमारा ठंडा हो जाए तब हम इसको फिल कर लेंगे। पोटैटो की थोड़ी सी पेस्ट ले लेंगे, इसको हाथों की मदद से फैला लेंगे हाथ में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने इसी तरह इसको फैला लेना, फिर इसके अंदर आपने चीज़ डालनी है तरह से, ओरिगैनो डाल देंगे और फिर चिकन की फिलिंग डाल देंगे। और ऊपर और चीज डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से एहतियात से हम इसको बंद कर लेंगे। पिज़्ज़ा कटलेट रेडी हो गया है। इसी तरह हम सारे कटलेट्स रेडी कर लेंगे। मेरे जो है 4 कटलेट्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसको कोट कर लेंगे। कोटिंग के लिए मैदा ले लिया है, अंडा ले लिया है और क्रम्स ले लिए हैं। एक कटलेट उठाएंगे, उसको सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर इसको अंडे में कोट करेंगे, अंडे में कोट करने के बाद इसको क्रम्स में कोट कर देंगे अच्छी तरह से। एक कटलेट जो है हमने कोट कर लिया है, इसी तरह हम सारा को कर लेंगे। सारे कटलेट्स कोट करने के बाद अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। आंच को जो है पहले आपने हाई पे करना है, फिर लो पे कर देना है। एक एक करके इसमें कटलेट डाल देंगे और इसको दोनों तरफ से गोल्डन होने देंगे। कटलेट जो है हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो पिज़्ज़ा कटलेट है वो रेडी हो गए हैं। आप भी इनको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।